So I'm audible, everyone. Good afternoon. I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, so sir. Yes, audible. Yeah. Okay. Shall I start then? Okay. So today we'll take a topic: a slow sand filter and rapid sand filter. But before further movement towards a rapid sand filter and slow sand filter, let us see some theory portion of the filtration. What do you mean by actually filtration? Okay. It's a very simple kind of that. हम क्या कर रहे हैं कि हम पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? दैट इज ऑल्सो क्यों और क्या, ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. अभी हमने बेसिकली हम ये फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करके करना क्या है, हमें फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करके टर्बिडिटी को हम रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि एट लास्ट हम जो पैरामीटर चेक करते हैं दैट इज योर टर्बिडिटी, ये उसका सिग्निफिकेंस ही है जो हम यहाँ हमने ये यूनिट को प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, दिस इज द मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका अगर वाइवा अगर होता है सो दिस मे आस्क यू व्हाई यू आर फाइंडिंग द टर्बिडिटी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट. तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हमें टर्बिडिटी इसे चेक करना पड़ता है सो दैट आपका फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी के वो हमारे हमें बताने की जरूरत है. सेम टर्बिडिटी हम क्यों क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ही यूज किया गया है, पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए ही कर रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं फिल्टर को सादी भाषा में आपको बताने जाऊं तो लेट अस कंसीडर एन देयर इज अ मैच, देयर इज अ मेश. ठीक है, मेश यानी जिसमें जाली जैसा होगा, जिसमें स्क्वायर शेप हो सकता है या कुछ और तरीके से हो सकता है. लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर यू. दिस मेश मे बी लाइक दिस. इट इज इन जनरल आई एम टेलिंग यू फिल्ट्रेशन क्या होता क्या है. ठीक है, ये आपका एक स्क्रीन रहेगा, स्क्रीन में क्या रहेगा, आपका ऐसे मेश बना होगा. ठीक है, नॉर्मली फिल्टर्स हम जो समझ रहे हैं हमने बचपन से जैसे पढ़ते हैं ऐसे. अब क्या होगा कि इसमें से सपोज करो कि ये आपका डायमेंशन है. ठीक है, इस डायमेंशन से ज्यादा अगर आपका पार्टिकल है तो वो क्या हो जाएगा, आपके सरफेस में रिटेन कर जाएगा. और अगर इस पार्टिकल अगर ये साइज ये आपके जो मेश साइज है इससे अगर आपका साइज स्मॉलर रहा तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा. सी, अगर ज्यादा पार्टिकल साइज मतलब पार्टिकल का साइज ज्यादा रहेगा तो इट विल बी रिटेन, बराबर है. और अगर साइज छोटा रहेगा तो वो मेश से क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा. व्हाट डज इट मीन, इट इज फिल्टर्ड. उसको क्या किया उसने, फिल्ट्रेशन कर दिया. ठीक है, तो ये जो फिल्ट्रेशन है ये हमने बचपन से पढ़ते आए हैं इसी तरीके से. बट इधर थोड़ा सा आपको अलग फिल्ट्रेशन मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फंडामेंटल लिटिल बिट सेम है. बट यहाँ पे जो हम हमारे जो मटेरियल्स यूज करेंगे दैट इज अ डिफरेंट. ठीक है, यहाँ जो मटेरियल यूज करने वाले दैट इज डिफरेंट. ये मेश टाइप का कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, लेट्स सी, आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. So there are basically following are the mechanism of a filtration. There are the four mechanism for this filtration. First is your mechanical training, then sedimentation, then third is the electrolytic action, then last one is a biological action. तो इस तरह से ये चार action आपके होने वाले हैं. If you talk about a mechanical straining, the mechanical straining of a suspended particle in the sand pores. सैंड पोर्स कैसे क्या आ रहा है, यू माइट ऑल हैव लर्न अबाउट दिस जियोटेक वन. तो आपने ध्यान दिया होगा सॉइल का, अगर मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूँ या अगर मैं सैंडी सॉइल का अगर मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूँ तो व्हाट विल हैपन, दिस विल बी, आपने टू फेस थ्री फेस पढ़ लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली. ओके, एंड ये जियोटेक में जियोलॉजी में भी शायद मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी. सो आपको क्रॉस सेक्शन अगर आप देखोगे तो क्रॉस सेक्शन विल बी लाइक दिस. ठीक है, नाउ योर क्रॉस सेक्शन विल बी लाइक दिस. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आपको अगर आप गौर से देखोगे तो पार्टिकल्स एक पार्टिकल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरे चौथे से कनेक्टेड है. नाउ इफ आई मेक लाइक दिस, आप ये येलो कलर अगर आप देखोगे तो दीज आर द पैकेट्स, दीज आर द वॉइड्स. ये जो है ये क्या चीज है, ये गैप्स हैं. इस गैप्स को हम कहते हैं पैकेट्स.
ये जो भी आपको येलो में दिख रहा है, दीज आर ऑल आर नोन एज पैकेट्स, ठीक है। इसको टेक्नोलॉजी, जियो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में हम बोलते हैं वॉइड्स। जो येलो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज नोन एज योर वॉइड्स। अभी क्या होता है कि ये वॉइड्स में बहुत बार आपके जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स आके इसमें अरेस्ट हो जाएंगे, इसमें अटैच हो जाएंगे, ठीक है। आई रिपीट, आपके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो वहां पार्टिकल्स के ऊपर में जाके सेटल हो जाएंगे, या वो सैंड पोस्ट के अंदर में चले जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू दिस, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ सेकेंडली, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन पार्टिकल, अगर मैं इस एक पार्टिकल की बारे में बात कर रहा हूँ, इस एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि इसके सरफेस में देर आर वेरियस फोर्सेस, आप अलग अलग डायमेंशन के उसमें फोर्सेस अवेलेबल रहेंगे सैंड पार्टिकल्स में। तो क्या होगा कि आपके वाटर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, आई रिपीट, आपके वाटर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो यहाँ पे आके स्टिक हो जाएगा। दैट इज नोन एज योर एब्जॉर्प्शन, दैट इज नोन एज योर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज अ योर सरफेस फिनोमिनन। यू कैन सी ऑन द पार्टिकल, आई एम शोइंग द रेड डॉट्स, दिस रेड डॉट्स इंडिकेट्स दिस इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। ये आपको क्या होगा, सरफेस में आके स्टिक होते जा रहा है, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। सेडिमेंटिंग, आपके जितने भी पोल्यूटेंट्स है वो पार्टिकल के ऊपर सेटल हो जा रहे हैं, सेडिमेंट हो जा रहे हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कोलाइडल एंड डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक मैटर इन द सरफेस ऑफ सैंड ग्रेन्स, इन द सरफेस ऑफ सैंड ग्रेन्स। ये पार्टिकल्स जो आपके पोल्यूटेंट्स है, ये सैंड पार्टिकल्स के ऊपर में जाके सेट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज सेडिमेंटेशन। यू कैन से एब्जॉर्प्शन ऑफ द कोलाइडल एंड डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स। नाउ थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन। व्हेन वी से इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन, इट मींस व्हाट, कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, आपके जो पार्टिकल्स है उसमें नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं और आपके वाटर में सस्पेंशन में पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं। सो आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस होने के कारण वहां पे बॉन्ड बन जाएगा, एंड दैट विल बी सेडिमेंट ऑन द पार्टिकल। सो दैट इज वन ऑफ द एक्शन। नेक्स्ट इज अ बायोलॉजिकल एक्शन। बायोलॉजिकल एक्शन ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द फिल्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी क्या हो रहा है कि ये आपका पार्टिकल है, ठीक है, ये आपका पार्टिकल है। इस पार्टिकल के ऊपर में सरफेस में धीरे धीरे आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आके सेट होते जाएंगे, एंड दैट विल बी मेक अ फिल्म लाइक दिस। आपका येलो में देखोगे, सो दैट विल मेक अ फिल्म लाइक दिस, ओके। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अ फिल्म ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेयर ऑन द टॉप ऑफ अ फिल्टर मीडिया विच एब्सॉर्ब ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपके वाटर में जो भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, उसको खींच लेगा और उसको, उसके लिए वो फूड बन जाएगा। जो भी आपको ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज आपके वाटर में प्रेजेंट है, दैट विल बी एक्ट एज अ फूड फॉर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। सो दिस, दीज आर द फोर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द फिल्ट्रेशन पार्ट, ओके। नाउ generally when we talk about a filter media, so there are basically four media which are basically used in this. आप बहुत एकदम राइट हो, से ग्रेवल्स हो सकता है और अदर देन और अदर लोकली अवेलेबल मटेरियल यू कैन कंसिडर इट। तो ये आपके क्या हो गया, ये फिल्टर मीडिया हो गया, ठीक है। Now, if you talk about sand, अगर हम sand के बारे में बात करते हैं, so it is easily available, so this is a very cheapest and everywhere you will get this. Sand should be free from clay, silt, loam, suspended solid and organic matters. कहने का मतलब है कि आपका sand जो होगा वो washed किया हुआ होना चाहिए। It should be free from clay, clay particles नहीं होना चाहिए, silt particles नहीं होना चाहिए, loam and आपका suspended solid नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा, अगर ये पार्टिकल्स होंगे, तो व्हाट विल हैपन, ये आपके सामने जो फिल्ट्रेशन यूनिट है उसी को क्लॉक कर देगा, क्योंकि इट विल बी, अगर हम क्ले आपका वाटर में मिक्स कर रहे हैं, आई रिपीट, इफ यू ऐड अ क्ले इन क्ले सेल लोम सस्पेंडेड सॉलिड, इफ यू एडिंग इन अ वाटर इटसेल्फ, इट विल बी एक्ट एज अ एक्स्ट्रा लोडिंग टू एक्स्ट्रा पोल्यूटेंट टू द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सो टर्बिडिटी भी किसके कारण होता है, टर्बिडिटी भी आपका इन्हीं सब के कारण होता है, राइट। सो हमें टर्बिडिटी रिमूव करना है, टर्बिडिटी को ऐड नहीं करना है। सो दैट्स व्हाई सैंड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस कंटेंट्स।
Now, effective size. It is a sieve size in mm through which 10% of a sand by weight passes. अगर आपके क्लास में अगर शायद सीव एनालिसिस अगर आप पहुंच गए होंगे तो माइट बी यू हैव लर्न अबाउट द सीयू एंड सीसी. ठीक है, सीयू इज योर कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सीसी इज द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर. तो सीयू और सीसी निकालने के लिए हमें D60, D10 एंड D30 का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, तो जो आपका D10 होता है दैट इज योर इफेक्टिव साइज. जो आपका आई रिपीट दैट जो आपका D10 होता है दैट इज योर इफेक्टिव साइज. ठीक है, अभी 10% भी क्या होगा कि आपके होल पूरे अगर सपोज करो कि आपका 100% आपका सैंपल है तो उसमें से 10% आपके पर्टिकुलर ये साइज के या ये साइज के नीचे के रहेंगे, आपका ये इंडिकेशन है उसके लिए. तो दैट इज नोन एज D10. ठीक है, बट मे आई नो कि जियोटेक में कहां तक आपका क्लास हो चुका है? एनीबडी एनीबडी हु कैन टेल मी कहां तक क्लास हुआ है आपका? सर अभी टेस्ट चल रहा है इसका. अभी क्या चालू है? प्लास्टिक लिमिट वगैरह का टेस्ट चालू है सर. ओके, तो आप लोग यहां पे आए, अभी आप लोग यहां पे आए नहीं हो अभी? नहीं सर, वो प्लास्टिसिटी और वो चल रहा है. सीव एनालिसिस हो गया क्या? नहीं सर, नहीं आए. नहीं सर, वो आगे होगा फिर सिलेबस में. सो माइट बी दिस मे बी अ डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट लेट मी ट्राई टू टेल यू व्हाट आई एम टेलिंग यू. दिस इज योर सेट ऑफ सीव्स. दिस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, साइड से सपोज करो 2 kg हमने किया और फिर हम क्या करेंगे, ये टॉप सीव जो है आपका इसमें हम पूर कर देंगे. ठीक है, सो दिस मे बी ऑफ 80 mm होगा, फिर ये 40 mm होगा, फिर ये 20 mm होगा, ये 10 mm होगा. दिस विल बी 4.75, दिस विल बी 2.36, दिस विल बी 1.18, लाइक दिस. फिर ये माइक्रोन में चले जाएगा और लास्ट में आएगा आपका पैन. तो हमने क्या किया, सीव्स को हमने सेट किया बेस्ड ऑन देयर अपर्चर, बेस्ड ऑन देयर ओपनिंग. 80 mm से लेके हम 90 μm तक के और उसके नीचे पैन. हम क्या करते हैं, इसको हम सेट ऑफ सीव्स को सेट करते हैं. हमने जो 2 kg लेके आया और उसको हम क्या करेंगे, इस टॉप पोजिशन में आपने पोर कर देना है. देन वेरी रिग्रेसली यू हैव टू शेक दैट दिस सेट ऑफ सीव्स. सो व्हाट विल हैपन कि आपका जो भी सॉइल है वो जहां जहां पार्टिकल्स है वहां पे आके वो सेटल्स हो जाएगा. से सपोज करो कि अगर ये 80 mm है तो यहाँ पे किस टाइप के पार्टिकल सेटल होंगे, जो कि आपके 80 mm के ऊपर में रहेंगे, जो 80 mm के नीचे गए वो नीचे की तरफ में चले जाएंगे. लेकिन कौन सा पार्टिकल यहाँ रह जाएगा जो आपका 40 mm के ऊपर में है, फिर जो 40 mm के नीचे के पार्टिकल्स है वो वहां पे से नीचे से चले जाएंगे. राइट, तो कहने का मतलब है कि बेस्ड ऑन द ओपनिंग आप जैसे उसको सीव करोगे तो बेस्ड ऑन ओपनिंग उसका जो साइज ऑफ द मेश होगा उसमें क्या होगा, आपका पार्टिकल जाके सेट हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा. देन व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू मेक अ ग्राफ. आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ता है लाइक दिस. आपका ये ग्राफ बनाना पड़ेगा जिससे आप सी यू एज वेल एज सी सी निकालोगे. ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पे आपको 10% में, 30% में, 60% में क्या करना है कि सॉरी 10% आपको क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज फाइनल की वैल्यूज डालना है 0 से लेके 100 तक के. ठीक है, 0 से लेके 100 तक के. अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 2 axes है, यहाँ पे आपने लिखना है परसेंटेज फाइनल और यहाँ पे लिखना है पार्टिकल साइज. पार्टिकल साइज यानी कि ये जो आपका सीयू सेट का जो साइज है वो आपने लिखना है. आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा. से सपोज करो कि दिस इज योर 10%, दिस इज योर 30% एंड दिस इज योर 60%. तो हमें क्या करना है कि इस 10% से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड विल मार्क लाइक दिस. दिस विल बी योर D10. फिर मेक अ स्ट्रेट लाइन, देन अगेन फिर ड्रॉ वर्टिकल डाउनवर्ड, दिस विल बी अ D30.
if I draw a line like this and if I draw a vertical line, this will be your 60, ठीक है? इसको हम ऐसे लिखते हैं D10, थोड़ा सा राइटिंग खराब हो सकता है. This will be right as a D10, this will be D30, this will be D60. तो ये जो D10 होता है, this is your effective size. इसको हम बोलते हैं आपका effective size. और CUCC को find out करने के लिए आपका ये D10, D30 and D60 ही निकालना पड़ेगा. What this term says D10, इसका meaning ये है कि you are having this much size of particle, जो कि आपका 10% तक के है, पूरा 100% में से 10% पार्टिकल ऐसे हैं जो इस साइज के होंगे. ओके, दैट्स व्हाई यू हैव टू बी फाइंड आउट द इफेक्टिव साइज. खैर आपको जब आप जियोटेक में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जब वहां पहुंचोगे आप, तब वो क्लियर होगा. ठीक है, सी यू इज अ यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट एंड दैट इज गिवन बाय D60 बाय D10. तो ये चीजें आपको कुछ है जो साइंस से रिलेटेड है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है. नेक्स्ट इज एसेंशियल और अ फिल्टर ऑफ सैंड, एसेंशियल ऑफ फिल्टर सैंड. आपको एसेंशियल चीजें क्या है, दैट इज शैल बी हार्ड. आपका जो सैंड सैंड है वो आपको थोड़ा सा टफ होना चाहिए. इट शैल बी फ्री फ्रॉम क्ले, फाइन पार्टिकल्स, ग्रेन एंड डर्ट, व्हाटएवर वी हैव सीन इन दिस पार्ट. ओके, देन इग्निशन लॉस शुड बी नॉट एक्सीड 0.7%. अगर उसका आप मॉइस्चर कंटेंट निकाल रहे हो तो उसमें जो लॉस है ये इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए. Soluble fraction in HCl shall not be exceed 5%. It may be a possibility कि sand आपका जो है वो आपके HCl के साथ soluble हो सकता है, but it should not be more than 5%. Then specific gravity of your sand should be 2.55 to 2.65. Wearing loss shall not exceed then 7%. आपको यहाँ पे wearing, tearing of sand भी निकालना पड़ेगा, वो आपका 7% से ज़्यादा loss में नहीं होना चाहिए. इफेक्टिव साइज जो मैं बार बार बोल रहा था D10 का, तो D10 का वैल्यू कितना होना चाहिए आपका, इट शुड बी 0.2 टू 0.3 इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्लो सैंड फिल्टर्स. सी देयर आर थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ अ सैंड फिल्टर, बट राइट नाउ ओनली 0.2 टू 0.3 mm का लगेगा अगर हम स्लो सैंड फिल्टर के बारे में बात कर रहे हैं. दैट इफेक्टिव साइज शुड बी, द इफेक्टिव साइज शुड बी 0.45 to 0.7 mm if you're talking about a rapid sand filter. See, this is the one of the difference in differentiate between slow sand filter and rapid sand filter. Dhyan mein rakhna. The uniform coefficient shall be 3 to 5 for sand filters. Aapne kya dhyan mein rakhna hai? 3 to 5, it is CU. Hum yahan pe CU ki baat kar rahe hain. Ye jo hum dekh rahe hain CU yahan pe. तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, जो वैल्यू होना चाहिए, दे शुड बी 3 टू 5 फॉर अ स्लो सैंड फिल्टर एंड इट शुड नॉट लेस देन 1.3 एंड नॉट मोर देन 1.7 व्हेन वी आर टॉकिंग फॉर द रैपिड सैंड फिल्टर. सो अगेन दिस इज वन मोर डिफरेंस यू आर गेटिंग ओवर हियर, डिफरेंशिएट बिटवीन स्लो सैंड एंड रैपिड सैंड. नाउ दैट वाज द फर्स्ट मटेरियल व्हिच वी आर यूजिंग इट. नाउ दिस इज योर सेकंड मटेरियल, एंथ्रासाइट. ठीक है, सैंड अगर देखोगे तो आप ये डायग्राम को फोकस कीजिए, ये आपका सैंड पार्टिकल्स है. इफ यू फोकस ऑन एंथ्रासाइट, सो फोकस ऑन दिस, दिस इज योर एंथ्रासाइट. ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं, इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सैंड. अगर आपको सैंड यूज नहीं करना है, देन यू कैन यूज एज अ एंथ्रासाइट एंड कैन बी यूज इन अ कंजक्शन विद सैंड, या फिर आप उसको सैंड के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हो. द कॉस्ट इज मोर एज कंपेयर टू सैंड बिकॉज सी दिस इज द स्पेशल टाइप एंड सैंड इज एवरीवेयर. आपको एंथ्रासाइट हर जगह नहीं मिलेगा. ठीक है, सैंड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ओके, सो दैट्स व्हाई द कॉस्ट इज लिटिल हायर एज कंपेयर टू योर सैंड. नाउ दिस इज अ गार्नेट सैंड, दिस इज अनदर काइंड ऑफ सैंड. अब देखिए यहाँ पे ये जो सैंड है, ये थोड़ा सा स्मॉलर फ्रैक्शन पार्टिकल्स है, वेर एज ये जो गार्नेट सैंड है उसका आप साइज देखिएगा तो ये थोड़ा बड़े साइज का होता है. ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.2 है, सो हो सकता है. और अनदर वर्ड यू कैन से दिस इज अ फाइन ग्रेवल्स, दैट इज आल्सो कंप्लीटली ओके. अब उसको फाइन ग्रेवल्स करके भी यू बोल सकते हो. इट इज यूज इन अ मिक्स मीड, इट इज यूज इन अ मिक्स मीडिया फिल्टर. आपको कॉम्बिनेशन बनाना है मीडिया फिल्टर्स का, तो आप इसको यूज कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज अ लोकली अवेलेबल मटेरियल. व्हेन वी से लोकली अवेलेबल मटेरियल, सो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं.
No, or when we say organic material as well as inorganic material, I'm sorry, organic as well as inorganic material, ठीक है, which is locally available, हम ऐसे बात कर रहे हैं, तो you can see, you can use as a shredded coconut husk, तो coconut husk क्या होता है, तो आपको coconut के ऊपर का जो shell होता है, उसको हम coconut husk बोलते हैं, then next is rice husk, आप rice husk को भी इसमें use कर सकते हैं as a filter material, then you can use a glass, crushed glasses, you can use a metallic ores, that is also can be used for the filter media. Now this fourth one is your gravel. Okay, the layer of a sand may be supported on a gravel which permit the filter water to move freely to the under drain and allow the water and allow a wash water to move uniformly upward. अब ये जो gravel है ये कहाँ provide करोगे? जहाँ पे आपको water flow को increase करना है तो आप उसको provide कर सकते हो. ठीक है, तो जनरली ये बॉटम में रहता है, आपके जो भी ड्रेन वाटर है उसको बाहर करने के लिए इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं. शुड बी हार्ड ड्यूरेबल राउंडेड फ्री फ्रॉम फ्लैट और लॉन्ग पीसेस एंड इम्प्योरिटीज. एवरीवन हैज सीन द ग्रेवल, सो नथिंग लाइक टू डिस्कस ऑन दैट. ओके, फिल्ट्रेशन. नो, फिल्टर कैन बी बेसिकली क्लासिफाइड इन टू वेज. फर्स्ट वन इज अ स्लो सैंड फिल्टर, अनदर वन इज अ रैपिड सैंड फिल्टर. इसको आप दो पार्ट से क्लासिफाई कर सकते हो, स्लो सैंड फिल्टर से और रैपिड सैंड फिल्टर से. नाउ फर्दर, दिस रैपिड सैंड फिल्टर कैन बी क्लासिफाइड एज अ ग्रेविटी फिल्टर एज वेल एज प्रेशर फिल्टर. ठीक है, आई रिपीट, दिस कैन बी एज अ ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर. समहाउ यू कैन सी कि ये भी बोल सकते हैं कि ग्रेविटी फिल्टर में स्लो सैंड फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर आएगा. इन सम बुक्स दे आर टेक्स्टिंग लाइक दिस. नाउ दिस ग्रेविटी फिल्टर, देयर सो देयर आर अदर टाइप्स ऑफ फिल्टर फिल्टर present under this category. Also there are some more category which come under this pressure filter, but these are the basic distinguish between the filters. So let us begin with the slow sand filter. So slow sand filters are best suited for the filtration of water for small towns. जो आपके villages हैं, small towns हैं, तो या small locality है, तो ऐसी जगह पे आप इसको provide कर सकते हो. That will be a best part. ठीक है. The sand used for the filtration is specified by the effective size and uniformity coefficient. इसलिए मैंने ये slow sand और rapid sand लेने के पहले ही आपको details बता दिया कि आपको क्या-क्या लगेगा. वही चीजें कि आपको effective size आपको check करना पड़ेगा और आपको uniform coefficient भी निकालना पड़ेगा. The effective size is D10, which is the sieve in a millimeter that permit 10% sand by a way to pass. तो हमने पहले discuss किया वही. The uniformity coefficient is calculated by the ratio of D60 to D10. ये भी हम लोगों ने यहाँ चेक कर लिया है ऑलरेडी, या हमने पढ़ लिया उसको. ठीक है. Now, the construction of a slow sand filters. Slow sand filter is made up of a top layers of a fine sand of effective size 0.2 to 0.3. Please kind pay attention over this. Slow sand filter is made up of a top layer of a fine sand. I repeat, top layer of a fine sand of effective size 0.2 to 0.3 mm, and uniformity coefficient is 2 to 3. देखो ये बहुत important है, effective size and uniformity coefficient. If somebody wants to take as a project or mini project that you have to work for the filter media, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपको उसका effective size निकालना चाहिए as well as उसका uniform coefficient आपको निकालना ही चाहिए. The thickness of the layer may be, अभी जो thickness जो layer रहेगा, first layer तो हमने बोल दिया, लेकिन उसका जो thickness of the layer है, what it should be 75 to 90 centimeter. ये ध्यान में रखो, it should be 75 to 90 centimeter below the fine sand layer, a layer of a coarse sand of a such size whose voids do not permit the fine sand to pass through it. The thickness of this layer may be 30 centimeter. अभी जिसमें voids बहुत कम होंगे, बहुत छोटे साइज के होंगे, तो वहां पे उस केस में आप उसका डेप्थ कम कर सकते हो. अदरवाइज क्या होगा कि वो इम्परवियस लेयर की तरह एक्ट करेगा, सो विच इज नॉट गुड फॉर द फिल्ट्रेशन पार्ट. द लोअर मोस्ट लेयर इज अ ग्रेटेड ग्रेवल ऑफ अ साइज 2 to 45 mm. आई रिपीट, द लोअर मोस्ट लेयर इज अ ग्रेटेड ग्रेवल. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइन सैंड की बात कर रहे हैं जिसमें साइज 0.2 to 0.3 मीटर है, बट यहाँ पे उसके नीचे की जो लेयर होगी, हम बात करें कि द साइज शुड बी 2 to 45 mm. आई रिपीट, 2 to 45 mm, एंड थिकनेस इज अबाउट
20 to 30 सेंटीमीटर। आप देखो यहाँ पे फर्स्ट लेयर में 75 to 90 सेंटीमीटर की बात कर रहे थे, वेयर एज इन सेकेंड लेयर यू आर टॉकिंग अबाउट द 20 to 30 सेंटीमीटर। द ग्रेवल इज लेड इन अ लेयर सच दैट द स्मॉलेस्ट साइज आर एट द टॉप। आपको अपना प्लेसिंग ऑफ द ग्रेवल ऐसा करना चाहिए कि जो सबसे छोटा साइज का पार्टिकल है वो आपके टॉप में होना चाहिए। द ग्रेवल लेयर इज द रिटेन फॉर द कोर्स सैंड लेयर एंड इज लेड ओवर द नेटवर्क ऑफ द ओपन जॉइंटेड क्ले पाइप और अ कॉन्क्रीट पाइप कॉल्ड एज अंडर ड्रेनेज। अभी जो आपका जो लेयर है ग्रेवल लेयर है उसके नीचे में आपके परफोरेटेड पाइप्स वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे, वेदर इट मे बी ऑफ अ पीवीसी, कोई बात नहीं वो भी चलता है आजकल डेट में, वो भी यूज कर रहे हैं। सारे पाइप एक दूसरे को नेटवर्किंग जॉइंट रहेंगे, आपके क्ले पाइप्स भी हो सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू, ठीक है, या आपके कॉन्क्रीट पाइप भी अवेलेबल किए जा सकते हैं, ठीक है। वाटर कलेक्टेड बाई दिस अंडर ड्रेनेज इज पास इन टू द आउटर चैम्बर, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ दिस फ्लो सैंड फिल्टर। अगर आप देखोगे सो दिस इज योर इनलेट, लेट मी टेक माई पेन फर्स्ट, सो दिस इज योर इनलेट, आपका वाटर यहाँ से इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, इनलेट के थ्रू अंदर आ रहा है, देन स्लोली स्लोली इट विल बी फिल्ड, स्लोली स्लोली इट विल बी फिल्ड ओवर हियर, यहाँ पे फिल हो जाएगा और यहाँ पे बाद में आपका जो वाटर है यहाँ से पास होके आपके ये इस सरफेस में आ जाएगा। नाउ इफ यू सी दिस प्रॉपरली दिस डायग्राम, सो वी हैव प्रोवाइडेड थ्री लेयर्स, थ्री कोर्स लेयर, विल से थ्री कोर्स लेयर। सो योर फर्स्ट लेयर इज अ फाइन सैंड, योर सेकेंड लेयर इज अ कोर्स सैंड एंड थर्ड लेयर इज अ ग्रेवल। तो ये हमने फर्स्ट लेयर प्रोवाइड किया, ये हमने सेकेंड लेयर प्रोवाइड किया, ये हमने थर्ड लेयर प्रोवाइड किया। ये जो लेकिन प्लेसिंग ऑफ द लेयर्स है इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ग्रेवल का पार्टिकल साइज ज्यादा होगा, कोर्स सैंड का उससे कम होगा, फाइन सैंड का उससे कम होगा, राइट। और इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप अंडर ड्रेन पाइप भी प्रोवाइड किए हो, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, द वाटर विल बी फिल्टर, सॉरी वाटर विल बी पास फ्रॉम दिस, आपका वाटर फिल्टर वाटर यहाँ से पास करेगा। व्हेन इट इज पासिंग दैट ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज पासिंग थ्रू इन टच विद द सॉलिड पार्टिकल्स। ये जितने भी आपके वाटर पार्टिकल्स है वो आप सारे के सारे आपके सॉइल पार्टिकल्स के साथ में टच होके फिर वो नीचे की तरफ में इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि आपका जो वाटर है वो सीपेज हो रहा है इस सॉइल से, यानी कि वो सारे आपके पार्टिकल से टच होते हुए निकल रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपका फंक्शनिंग है वो होने वाला है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, जो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग है वो हो जाएगा, पार्टिकल गेट सस्पेंडेड ऑन द पार्टिकल्स, ठीक है, उसमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल सरफेस फिनोमिनन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे अट्रैक्ट कर जाएंगे और उसके बाद में आपका जो फिल्म लेयर है वो आपका माइक्रोबियल फिल्म लेयर है वो आपके पार्टिकल्स के ऊपर में डेवलप होते जाएंगे। सो दिस ऑल फोर एक्टिविटी विल बी हैपनिंग टुगेदर, ये सारे जो भी है वो आपका एक साथ होगा एंड दिस विल बी डन इन ऑल दिस पॉइंट्स, आपका फाइन सैंड में, कोर्स सैंड में एज वेल एज ग्रेवल सैंड में। देन द वॉटर विल बी फिल्टर्ड, आपका जो फिल्टर्ड वाटर है दैट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम दिस अनड्रेन पाइप्स, ठीक है, ये आपके अनड्रेन पाइप्स के थ्रू बाहर हो जाएगा और फिर धीरे धीरे यहाँ से परकुलेट होके, अभी क्या है ये परफोरेटेड पाइप्स हैं तो वाटर यहाँ से बाहर आ जाएगा एंड देन इट विल बी फिल्ड, ओके, देन इट विल बी फिल्ड और आपका जो भी वाटर है ये यहाँ से फिल्टर आउट होके ये बाहर आपका वाटर निकल जाएगा। सो लाइक दिस, दिस इज योर इनलेट एंड दिस इज योर आउटलेट और उसके अंदर का प्रोसेस हमने अभी पूरा का पूरा डिस्कस किया, ओके। सो दिस इज अ सिंपल वन एंड नाउ अनदर डायग्राम वी हैव, तो जिसमें इनलेट एंड आउटलेट, देखो यहाँ पे इनलेट एंड आउटलेट अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है, वेयर एज यहाँ पे इनलेट और आउटलेट आपका एक ही डायरेक्शन में दिया हुआ है, मतलब एक ही साइड में दिया हुआ है, ये आपका इनलेट हो गया। अगेन देयर आर टू लेयर्स ओनली, सैंड एंड ग्रेवल यहाँ प्रोवाइड किया गया है। आपका जो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म जितना भी होगा वो सारा कुछ परफॉर्म होने के बाद आपका जो वाटर ड्रेन है वो यहीं से बाहर में आ गया। दिस इज द सिंपलेस्ट वन, यहाँ पे अनड्रेन आपको अंडर ड्रेनेज सिस्टम, पाइप सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पे पाइप सिस्टम की जरूरत नहीं है,
क्योंकि वाटर यहाँ से सीप होके सीधा इस टब के ऊपर में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ यू आर द ट्रीटेड वाटर मे बी आउट फ्रॉम दिस आउटलेट। सो बट यहाँ पे क्या है कि पाइप यूज टू इंट्रोड्यूस बैक वॉश फॉर अ क्लीनिंग फिल्टर वंस इन अ वाइल इन अ ईयर और काफी लंबे टाइम के बाद में क्या होता है कि एक टाइम आएगा जो आपके जितने भी वॉइड्स आपके प्रेजेंट है उस सॉइल के अंदर में दैट विल बी कम्प्लीटली फिल्ड बाय दिस सस्पेंडेड पार्टिकल्स व्हाटएवर द इम्प्योरिटीज आर देयर सिल्ट पार्टिकल्स है आपका टर्बेट पार्टिकल्स है आपका क्ले पार्टिकल्स है ये सारा का सारा क्या होगा एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने भी पोर्स हैं ये सैंड के ग्रेवल के दैट विल बी क्लॉग्ड वो आपके क्लॉग्ड हो जाएगा और क्लॉगिंग होने होके 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 तो उसमें केक फॉर्मेशन हो जाता है। सो फॉर दैट यू विल रिक्वायर्ड अ बैक वॉशिंग, ठीक है। जनरली सैंड फिल्टर्स में बैक वॉशिंग का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बहुत ही कम है, बट प्रोविजन रहता है बट बहुत कम है, ठीक है। नाउ इट इज इन सैंड फ्लो स्लो सैंड फिल्ट्रेशन वी आर प्रोवाइडिंग बैक वॉशिंग ऑल्सो। नाउ ऑपरेशन द वॉटर फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक एंटर्स the slow sand filter through the submerged inlet as shown in figure. Here उन्होंने क्या बोला कि water is inlet in a sedimentation tank. So it is acting as a sedimentation tank only. क्या हो रहा है कि water आपका rise होते 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 यहाँ क्या हो रहा है settle हो जा रहा है इतने point तक कि आपका water जो है वो stable है stabilized है ठीक है stagnant है. So that's why we are talking as a sedimentation tank. ठीक है. द वॉटर इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर अ सैंड बेड विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस विदाउट एनी टर्बुलेंस आपका जो वॉटर है देखो यूनिफॉर्मली आपका उस लेयर को टच करेगा और वहां से इनफिल्ट्रेट होगा. द वॉटर पासेस थ्रू अ फिल्टर मीडिया एज एन एवरेज रेट. नाउ लेट अस नोट दिस पॉइंट 2.4 टू 3.6 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे ये उसका फिल्ट्रेशन रेट है ये आप ध्यान में रखिए. ये और आपका जो स्लो सैंड फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर होगा उसमें आपका फिल्ट्रेशन रेट डिफरेंट होगा ठीक है. द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज कंटिन्यूड अंटिल द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑन द फिल्टर एंड द इनलेट चेंबर इज स्लाइटली लेस देन द डेप्थ ऑफ द वाटर अबव द सैंड ठीक है. तो the difference of a water above the sand bed and in the outlet chamber is called as a loss of head. तो आपका ये जो water level है और यहाँ का जो level होगा ये आपका क्या बताएगा loss of head बताएगा head loss बताएगा. Okay. During filtration as the filter media get clogged due to the impurities which stays in the pores the resistance to the passage of the water and losses of a head also increases. अब सपोज करो कि ये जो आपका मीडिया है ये अगर क्लॉग्ड हो गया तो ये जो आपका जो वाटर पास होना चाहिए वाटर पास तो होगा नहीं तो क्या होगा ये आपका वाटर लेवल ऑटोमेटिक राइज होता जाएगा ठीक है. व्हेन द लॉस ऑफ हेड रीचेस 60 सेंटीमीटर फिल्ट्रेशन इज स्टॉप्ड एंड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बेड इज अ स्क्रैप एंड रिप्लेस्ड विद अ क्लीन सैंड बिफोर पुटिंग बैक इनटू अ सर्विस थ्रू द फिल्टर. अब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि अगर मान लो ये क्लॉग हो जा रहा है जनरली स्लो सैंड फिल्टर में क्या होता है कि आपका ये जो टॉप सरफेस है ये ऐसा केक फॉर्मेशन हो जाता है. जब ये केक फॉर्मेशन हो जाता है तो हम रैकर्स का यूज करते हैं और हम उसको रैक कर देते हैं ठीक है. ये जो आपका सरफेस है इसको रैक कर देते हैं डिस्टर्ब कर देते हैं ठीक है. बट नाउडेज इन सम केसेस वी आर प्रोवाइडिंग बैक वॉश. ये तो एक्चुअली रैपिड सैंड फिल्टर में मैं वहां आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता क्या है. ओके सो आपका ये आपका जो ऊपर का सरफेस है ये जो टॉप लेयर है सॉरी दिस इज योर टॉप लेयर. इस टॉप लेयर में क्या होगा ये केक फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम क्या करते हैं उस सरफेस को हम इरोड करेंगे उसको हम स्क्रैप करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे उस जो भी आपका केक फॉर्मेशन होगा उसको रिमूव करेंगे देन अगेन इट इज रेडी फॉर द सर्विस. द स्क्रैप सैंड इज वॉश्ड विद द वाटर ड्राइड एंड स्टोर्ड फॉर रिटर्न टू फिल्टर at the time of the next washing. The filter can run for 6 to 8 weeks before it become necessary to replace the sand layer. अब क्या होता है कि इसमें sand layers को भी हमें regenerate करना पड़ता है हमें change करना पड़ता है ठीक है. Then uses. अब इसका uses कैसा है कहाँ है
स्लो सैंड फिल्टर्स आर इफेक्टिवली इन रिमूवल ऑफ, देखो आपको स्लो सैंड फिल्टर 98 to 99% आपका पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है, सॉरी रिमूव द बैक्टीरिया ऑफ अ रॉ वाटर, नॉट अ पार्टिकल, इट्स रिमूव द बैक्टीरिया ऑफ अ रॉ वाटर एंड कंप्लीटली ऑल सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज एंड टर्बिडिटी, ओके रिड्यूस टू 1 MTU, आपके 1 MTU तक के इसकी कैपेसिटी है, वो आपके टर्बिडिटी को रिमूव कर सकता है, आपके बैक्टीरिया को 99% वो रिमूव कर सकता है. स्लो एंड स्लो सैंड फिल्टर्ड ऑल्सो रिमूव ऑर्डर टेस्ट एंड कलर, ठीक है, अगेन दिस इज द यूज, ऑर्डर टेस्ट एंड कलर को यहाँ से रिमूव करेंगे. क्यों रिमूव करेंगे? क्योंकि ऑर्डर किसकी वजह से हो रहा होगा? पार्टिकल की वजह से हो रहा होगा. टेस्ट किसकी वजह से? पार्टिकल्स के प्रेजेंस से, या कलर आपके पार्टिकल्स के प्रेजेंस से, आपके जो पार्टिकल्स वहाँ प्रेजेंट है उसके कारण ये सब चीजें होती है. हमने क्या किया, उसको पार्टिकल्स को रिमूव किया, तो नेचुरली है कि आपका मतलब ऑर्डर टेस्ट एंड कलर वहां से रिमूव हो ही जाएगा. ओके, द स्लो सैंड फिल्टर रिक्वायर अ लार्ज एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड अ हाई इनिशियल कॉस्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट. यस दैट इज ट्रू, आपका जो स्लो सैंड फिल्टर रिक्वायर है उसको एक लार्ज एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो आपका लैंड कॉस्ट के कारण आपका ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ जाता है. Nowadays there are so many filtration processes are there, so many filtration methods are there, which is very cost effectively. Okay, the rate of filtration is very slow. That's why we are called it as a slow sand filters. No maintenance. The algal growth on the overflow weir should be stopped. आपको maintain करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Algal growth को आपको stop करना पड़ेगा. So rate of filtration should be maintained constant and free from the fluctuation. अभी आपका जो filtration है वो किस पे depend कर रहा है कि surface में आपका algal growth क्या हो रहा है. अगर surface में अगर algal growth हो गया, so this algal growth will not allow to percolate the water inside. ठीक है, वो water को inside percolate होने के लिए देगा नहीं. So that's why it is very necessary कि ये जो आपका algal growth है इसको periodically आपको remove करते रहना है. ठीक है, filter head indicator should be इन अ गुड वर्किंग कंडीशन. आपका जो फिल्टर हेड इंडिकेटर मतलब क्या है, कुछ सेंसर लगा देंगे, अगर वो अगर आपका फिल्टर मीडिया क्लॉग होते जा रहा है तो ऑटोमेटिक अलार्म बज जाएगा, जिससे हमें मेंटेनेंस में इजी पड़ जाएगा. ट्री अराउंड द प्लांट शुड बी कंट्रोल्ड टू अवॉइड अ बर्ड ड्रॉपिंग ऑन द फिल्टर बेड. नो कोएगुलेंट शुड बी यूज बिफोर स्लो सैंड फिल्ट्रेशन सिंस द फ्लॉग विल क्लॉग द बेड क्विकली. आपको कहने की बात है कि आपके इस स्लो सैंड फिल्ट्रेशन के आसपास में कोई भी प्लांट नहीं होना चाहिए, कोई ट्री नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होगा तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि वहां पे बर्ड्स आएंगे और वो कोई भी पार्टिकल्स को वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं. दैट इज द फंडामेंटल बिहाइंड दिस. एंड ऑल्सो नो वन शैल एड कोएगुलेंट बिफोर अ स्लो सैंड फिल्ट्रेशन सिंस द फ्लॉग विल, क्योंकि ये इसलिए हम इसके बोल रहे हैं क्योंकि जब हम कोएगुलेंट ऐड करते हैं तो फ्लॉक प्रोड्यूस होगा और फ्लॉक में यू हैव क्लॉग द बेड एंड दैट विल बी वेरी क्विकली. सो इन दिस वे दिस स्लो सैंड फिल्टर वर्क्स. नाउ रैपिड सैंड फिल्टर आर रिप्लेसिंग द स्लो सैंड फिल्टर्स. रैपिड सैंड फिल्टर आज कई जगह पे 90% जगह पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया है आपके स्लो सैंड फिल्टर के साथ में, बिकॉज इट हैज अ हाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. Why we are doing so? Because this is a high rate of filtration ranging from, you can see 100 to 150 meter cube per meter square per day. Let me remind you about this, about slow sand filtration. क्या आपका rate था? 2.4 to 3.6 meter cube per meter square per day. Whereas, आप ये देखो, आपका rapid sand में कितना है? It is too high, that is 100 to 150 meter cube per meter square per day. Okay. The main feature of a rapid sand filter are as follows. क्या चाहिए आपको rapid sand का effective size? हमने already देख लिया, that is 0.45 to 7.7 mm. Then uniform coefficient, again we have seen in previous slides, 1.3 to 1.7. Then depth of a sand should be 60 to 75 centimeter. ये ध्यान में रखो. Depth of sand should be 60 to 75 centimeter. Whereas हमने previous में जब देखा था स्लो सैंड में तो वहां पे 90 सेंटीमीटर तक था. फिल्टर ग्रेवल विल बी 2 टू 50 mm साइज. ठीक है, देन डेप्थ ऑफ ग्रेवल शुड बी 45 सेंटीमीटर. वहां पे 20 से 30 था, यहां पे 45 सेंटीमीटर. डेप्थ ऑफ वाटर ओवरऑल सैंड ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन विल बी 1 टू 2 मीटर. ओके,
और उसमें भी 2 मीटर था, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्लूडिंग 0.5 फ्री बोट दैट विल बी अबाउट 2.6। अगर हमने 2.1 का हमने अगर डेप्थ ऑफ टैंक दिया है, लेट मी टेल यू क्या होता है कि ये सपोज करो आपका डेप्थ ऑफ टैंक है, दिस इज योर डेप्थ ऑफ टैंक, ओके। तो हमें क्या करते हैं कि इस इतने ही लेवल तक हम नहीं बनाते हैं, हमें एक एडिशनली लेट मी टेल यू दिस, सपोज दैट दिस इज योर डेप्थ ऑफ टैंक, तो हम क्या करते हैं एडिशनल फ्री बोर्ड हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये दिस इज योर एडिशनल फ्री बोर्ड, दिस इज योर एडिशनल फ्री बोर्ड, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो यहाँ प्रोवाइड करते हैं 0.3 से 0.5 प्रोवाइड करते हैं, यू कैन डायरेक्टली टेक इट एज अ 0.5 फ्री बोर्ड, सो द टोटल डेप्थ मे बी अ 2.6, ठीक है। एरिया ऑफ ए सिंगल फिल्टर यूनिट, एरिया ऑफ ए सिंगल फिल्टर यूनिट कितना होना चाहिए, 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर इन टू पार्ट ऑफ ईच 50 मीटर स्क्वायर, आप दो यूनिट प्रोवाइड कर सकते हो 50 मीटर स्क्वायर का। लॉस ऑफ हेड मैक्सिमम 1.8 टू 2 मीटर इज एक्सेप्टेबल, द टर्बिडिटी ऑफ अ फिल्टर वाटर इज 190, दैट इज एक्सेप्टेबल। नाउ दिस इज योर ऑपरेशन एंड इन राइट हैंड साइड यू कैन सी दिस इज योर डायग्राम, इफ यू सी दिस मच पोर्शन, अगर आप इस इतना इफ यू सी दिस मच पोर्शन, सो यू विल सी दैट दिस इज नथिंग बट योर रैपिड सैंड फिल्टर ओनली, आपका पूरा पूरा सिस्टम जो दिख रहा है आपका रैपिड सैंड फिल्टर के जैसे ही, सॉरी स्लो सैंड फिल्टर के जैसे ही दिख रहा है, बट यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें यहाँ प्रोवाइड की गई है, क्योंकि सपोज करो कि ये क्लॉगिंग हो गया तो हम क्या करेंगे इसके लिए। सो फॉर दैट यू कैन सी ओवर हियर वी आर हैविंग वेरियस वॉल्व विद अस, लाइक वॉल्व ए, लेट मी हाईलाइट दिस वॉल्व ए, नाउ वी हैव दिस वॉल्व बी, नाउ वी हैव दिस वॉल्व सी, ओके, नाउ वी हैव वॉल्व डी। तो हमारे पास में ये 4 वॉल्व यहाँ पे अवेलेबल है, अब इसका यूज कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। सो लेट अस टेक दैट योर रॉ वाटर इज कमिंग फ्रॉम दिस इनलेट चैम्बर इनलेट पाइप, तो क्या होगा कि आपका वाटर यहाँ पे सेटल होगा, फर्स्ट आपका वाटर यहाँ पे सेटल होगा, ठीक है, देन वाटर इज गोइंग टू दिस सरफेस, और फिर यहाँ पे क्या होगा आपका जो भी ये यहाँ पे वॉश वाटर ट्रफ भी प्रोवाइड किए है, ठीक है, वॉश वाटर ट्रफ इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ओवर हियर। अब देन यहाँ पे क्या होगा कि आपका वाटर सब फिल्टर हो जाएगा बेस्ड ऑन दैट फिल्टर मैकेनिज्म, यहाँ पे वाटर आपका फिल्टर हो जाएगा, ओके। बट अब यहाँ देखो इसका मेन ड्रेन यहाँ पे है, इसका मेन ड्रेन क्या है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, व्हाटएवर व्हाटएवर विल बी इनफिल्ट्रेट व्हिच इज फिल्ट्रेट that water will be collected from this point, that will be collected from this point, ठीक है, sorry this from this from this pipe, okay। now एक बार अगर ये आपका clogging हो गया तो उसके right hand side में आप देखिए, उसके right hand side में दो चीजें दिया हुआ है आपको, one is the air compression chamber, this is the air compressor unit, as well as we are having a small tank which consists of a water. Now what will happen ki ye aapne isko use karte gaye so suppose karo 1 mahine ke liye humne use kiya, 1 mahine baad aapko samajh mein aa raha hai ki ye jo hai cake formation zyada ho gaya hai, to yahan pe hum scraper nahi use karte hain, hum yahan pe scrap karke usko use nahi karenge, theek hai, yahan pe hum additional dusra filtration system sorry hum yahan pe additional units provide kar rahe hain, that is a air compressor unit, और उसके बाद में आपका wash water storage। अब क्या होगा कि आपको ये जो cake formation हो जाएगा इसके surface के ऊपर में, ये जो cake formation हो जाएगा इसके surface में ऊपर में, तो हमें क्या करना है कि first इस A जो है आपका A valve इसको आप close कर दो, जब आप close कर दोगे तो यहाँ कोई water रहेगा नहीं, ठीक है, अभी ये maintenance part में जा रहा है, ठीक है, यहाँ कोई water रहेगा नहीं। Now what you will do, you will give a compressed air, आप एक compressed air दोगे, तो compressed air का role क्या है कि ये इस पूरे medium में जाके इस surface को क्या करेगा, strike करेगा, ये जो surface है ये compressed air क्या करेगा, इसको strike करेगा। अब बोलोगे ये air कहाँ से जा रहा है, that air is going
क्योंकि जब आपने जो वॉइड उसमें प्रेजेंट है ग्रेवल के ऊपर में या सैंड में, ठीक है, जितने भी ग्रेवल जितने भी आपके पोर्स अवेलेबल है, उस वॉइड्स अवेलेबल है, उस वॉइड से आपका एयर को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन फोर्स के रूप में अपन उसको क्या कर रहे हैं कि अपसाइड डायरेक्शन में हमने उसे स्ट्राइक किया। अब उसकी वजह से क्या होने वाला है, इसकी वजह से क्या होने वाला है, ये जो आपका केक फॉर्मेशन हो गया था इस लेयर में, ये जो आपका केक फॉर्मेशन हो गया ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद में देन यू हैव टू क्लोज दिस वॉल्व सी, देन यू हैव टू ओपन दिस दिस वॉल, ओके, एंड देन यू हैव टू गिव अ वाटर। आपको बाय प्रेशर आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाटर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस वाटर को हम बोलते हैं वॉश वाटर, ये जो हम वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं वॉश वाटर। नाउ व्हाट विल हैपन कि जितना भी क्लॉगिंग जहाँ ग्रेवल में हो, जो सैंड में हो, जितना भी क्लॉगिंग आपको हुआ रहता है, व्हाट विल हैपन, दिस विल बी वॉश्ड, ये पूरा का पूरा वॉश हो जाएगा और वॉश होके जो आपका वाटर है वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। आई रिपीट, जो भी आपका वॉश वाटर है क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन ओपन दिस वॉल, नाउ यू कैन ओपन दिस वॉल एंड ये वॉल जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपका जितना भी वॉश वाटर है वो सब यहाँ पे आके इस वॉश वाटर ड्रेन में आके कलेक्ट हो जाएगा, वहां से उसको आप रिमूव कर दो, ठीक है। सो इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ अ स्लो सैंड फिल्टर। यहाँ पे एडिशनल हमने यूनिट प्रोवाइड किया है आपका वॉश वाटर वाला, एज वेल एज आपका एयर कंप्रेसर यूनिट हमने प्रोवाइड किया है। लेट अस गो विद द थ्योरी पार्ट ऑपरेशन। द वॉटर फ्रॉम अ कोएगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक एंटर द फिल्टर यूनिट थ्रू इनलेट पाइप एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल सैंड बेड, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल सैंड बेड, ओके। वॉटर आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंड बेड इज कलेक्टेड थ्रू द अंडर ड्रेनेज सिस्टम इन द फिल्टर्ड वाटर वेल, ठीक है। ये आपने यहाँ पे वाटर को यहाँ से हमने रिमूव करके यहाँ पे हमने इसे कलेक्ट कर लिया। द आउटलेट चैम्बर इज इन दिस फिल्टर इज ऑल्सो इक्विप्ड विद फिल्टर रेट कंट्रोल्ड, ठीक है। इसका जो आउटलेट है इसको भी हमने क्या किया, कंट्रोल्ड किया हुआ है। इन द बिगिनिंग द लॉस ऑफ अ हेड इज अ वेरी स्मॉल, इनिशियली जो आपका हेड लॉस होगा, ये जो हेड लॉस है ये आपका कम रहेगा, बट एज द बेड गेट क्लॉग्ड, बट जैसे ही आपका ये जो बेड है वो क्लॉग्ड हो जाएगा, द लॉस ऑफ अ हेड इंक्रीजेस, सॉरी द लॉस ऑफ अ हेड इंक्रीजेस एंड द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बिकम अ वेरी लो, ठीक है। देयरफॉर द फिल्टर बेड रिक्वायर्ड इट्स वॉशिंग। सो वॉशिंग ऑफ अ फिल्टर, the washing of a filter done by a backflow of water through the sand bed as shown in figure. तो हम क्या करेंगे, पहले washing करेंगे, sorry washing करने के पहले आपको compressed air provide करना, ठीक है। The first wall A is closed and the water is drained out from the filter leaving of a few centimeter depth of a water on the top of the sand bed. Keeping all wall closed, the compressed air is passed through the separate pipe system 2 to 3 minutes. आप जो ये compressed air provide करोगे 2 से 3 minute के लिए provide करोगे, which agitate the sand bed. क्या होगा, वो upward direction में उसको forcefully push करेगा, agitate the sand bed and stir it with the well, causing the loosening of the dirt, clay etc. inside the sand bed. Now wall C and B are opened. Now wall C and this wall D are opened. Sorry, wall C and wall B are opened. Okay. Gradually, the wash water tank rises through the lateral, the straining gravel and sand bed. जैसे ही आपने इसको वॉल को ओपन किया, आपका जो वाटर हम यहाँ से पास करना शुरू कर देंगे, and then water will be wash everything and it will be come over this tank. Okay. Due to a backflow of a water, the sand expand and all the impurities are carried away with the wash water to the drain through the channel, which are kept for this purpose. Now again a very small diagram showing the rapid sand filtration. So water supply आपने दिया यहाँ से, inlet से आया water, आपके इस filter media से water clean हुआ, then आपका जो filter water है यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। बट यू कैन बट वंस यू हैव डन दिस
आपका फिल्ट्रेशन पार्ट जैसे क्लोज हो गया है, कंप्लीट हो गया, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव अ बैक वॉशिंग. फॉर गिविंग अ बैक वॉशिंग यू रिक्वायर्ड अ बैक फ्लश सप्लाई. तो आपको वाटर वापस से विद द प्रेशर आपने सप्लाई करना है, सो दैट ये जो आपका बेड होगा ये ब्रेक हो जाएगा और जितना भी के फॉर्मेशन है वो ड्रेन आउट हो जाएगा. सो ऑपरेशन ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन एंड दिस इज ऑपरेशन ड्यूरिंग क्लीनिंग. ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन. रैपिड सैंड फिल्टर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फाइव पार्ट्स. तो कौन कौन से फाइव पार्ट्स है? इट हैज अ इंक्लोजर टैंक. ठीक है, तो इंक्लोजर टैंक यानी क्या? अ वाटर टाइट टैंक इज कंस्ट्रक्टेड इधर मेसनरी और कॉन्क्रीट. आप या तो ईट, या तो आप ब्रिक्स का बना लो या आप कॉन्क्रीट का बना लो, दोनों भी चलेगा. अंडर ड्रेनेज सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड, मे बी परफोरेटेड पाइप सिस्टम और अ पाइप एंड अ स्ट्रक्चर सिस्टम कैन बी प्रोवाइडेड. बेस मटेरियल ग्रेवल शुड बी फ्री फ्रॉम क्ले डस्ट सिल्ट एंड वेजिटेबल मैटर्स एंड शुड बी अ ड्यूरेबल हार्ड रॉक एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड डेप्थ अप टू 40 सेंटीमीटर. हमने प्रीवियसली 45 सेंटीमीटर तक देखा हुआ. फिल्टर मीडिया ऑफ अ सैंड, द डेप्थ ऑफ अ सैंड इज 60 टू 75 सेंटीमीटर. प्रीवियसली शायद हमने 60 टू 70 सेंटीमीटर देखा, देख लेंगे. अपर्टेनेंस, एयर कंप्रेस यूजफुल फॉर अ वॉशिंग ऑफ अ फिल्टर एंड अ वॉश वाटर ट्रफ फॉर अ कलेक्शन ऑफ अ डर्ट वाटर आफ्टर वॉशिंग ऑफ अ फिल्टर्स. ठीक है, वॉशिंग प्रोसेस इज अ कंटिन्यू टिल द सैंड बेड अपीयर क्लियरली. आपको जब तक ये वाटर क्लियर वाटर नहीं दिखेगा तब तक आपको वाटर प्रोवाइड करना है, आपको वॉश करना है. The washing of a filter is done generally after 24 hours and it takes 10 minutes and during backwashing the sand bed expands by 50%. क्या होता है कि आपका जो सैंड है अब वाटर का भी लोड उसमें आता है, तो वाटर के लोड के कारण जो आपका सैंड बेड है इट मे गेट्स कंप्रेस, वो कंप्रेस हो सकता है. अब जब हम उसको बैकवॉशिंग करेंगे तो वॉइड्स भी ओपन हो जाएंगे जिसके कारण दैट विल बी फ्री फ्रॉम द लोडिंग एज वेल, सो विच कैन बी 50% expansion can be happen. Rapid sand filter bring down the turbidity of water to 1 NTU. This filter need a constant and a skilled supervision to maintain the filter gauge, expansion gauge and a rate of flow controller and periodically backwash. Okay, so this is the last slide for this topic, that is a comparison of a slow sand filter and a rapid sand filter. See, rapid sand filter can be asked separately, slow sand filter can be asked separately. Question may be like this for 7 to 8 marks. Write an explanation regarding construction and functioning of a slow sand filter. Construction and maintenance of working of a rapid sand filter. Okay. Or this may come for 5 marks. Differentiate between slow sand filter and a rapid sand filter. Okay. If this question arises, then you have to give this table only. Aap ye dhyan mein rakho, aapko ये जो टेबल मैं शो कर रहा हूँ आपको यही बताना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है. अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा का लिखा होगा सो आई एम सॉरी, यू विल नॉट गेट मार्क्स. आपको मार्क्स मिलेगा इसी के बेसिस में. सो हियर यू कैन सी दीज आर द आइटम्स पर्टिकुलर्स विच इज टू बी पैरामीटर्स विच इज टू बी टेकन केयर ऑफ, जो इसको डिफ्रेंशिएट करेगा आपको स्लो सैंड फिल्ट्रेशन और आपका रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन को. When we say about area, so need a very large area, that is true. It is required a small area as compared to a slow sand filtration. Raw water turbidity not more than a 30 NTU. अगर 30 NTU से ज़्यादा रहेगा तो वैसे वाटर को हम स्लो सैंड फिल्ट्रेशन के यूज़ नहीं कर सकते. Not more than 10 NTU. 10 NTU से ज़्यादा अगर आपके वाटर का क्वालिटी होगा तो ऐसे वाटर को आप यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर में यूज नहीं करोगे. Then sand media effective size is 0.2 to 0.3 mm. Uniform coefficient is 2 to 3. Single layer of uniform size. When we talk about a rapid sand, so it is 0.45 to 0.7 mm. Uniform coefficient is 1.3 to 1.7. A multiple graded layer of a sand can be provided. Then rate of filtration is 2.4 to 3.6 meter cube per meter square per day. Here you can see it is 100 to 150 meter cube per meter square per day. So loss of head is 0.6 meter to 0.7 meter. Here in rapid sand filter, it is 1.8 to 2 meter. Then supervision, no skill supervision is required. क्योंकि backwashing को यहाँ होता नहीं है, कोई compressor देना नहीं है, कोई pressure देना नहीं है. It will be automatically it will be happen. But yes, here rapid sand filter you have to provide a skill supervision is required. Now, cleaning of filter. Scraping of 21 per 2 centimeter thick layer washing
and replacing can be done cleaning interval, that is replacement of a sign at a 1 to 2 months, that is आप 1 से 2 महीने के बीच में आपका क्लीनिंग फिल्ट्रेशन आप कर सकते हो. वेरस इफ यू टॉक अबाउट रैपिड सैंड फिल्टर तो बैक वॉश विद अ क्लीन वाटर अंडर प्रेशर टू डिटैच द डर्ट ऑन द सैंड. बैक वॉशिंग इज डेली ऑन द अल्टरनेट डेज. इन समवेयर इट इज हैपनिंग डेली, इन समवेयर इट इज हैपनिंग अल्टरनेटिवली. सो बेस्ड ऑन दैट ओके. सो लास्ट इज योर एफिशिएंसी. द बैक्टीरियल रिमूवल, taste odor removal and color removal, turbidity removal, everything can be removed in the slow sand filter. But there is no removal of a bacteria in rapid sand filter. Removal of a color, taste, odor and turbidity is good in rapid sand filter. So this is all about the slow sand filter and rapid sand filter. Okay, so we'll meet in the next class. Hope you have all understand this these all these points. You can leave this class by punching your roll numbers.